भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी यानी कि इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ ने बताया कि साल 2024 गगनयान मिशन की तैयारियों का साल होगा। इसके अलावा इस साल इसरो ने 12 से 14 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य रखा है। पीएसएलवी C58 एक्स पोसेट मिशन के सफल लॉन्च के बाद मीडिया से बात करते हुए एस सोमनाथ ने ये बातें कही। एस सोमनाथ ने कहा कि 2024 गगनयान की तैयारियों का साल रहेगा। इसके साथ ही हम हेलीकॉप्टर से ड्रॉप टेस्ट भी करेंगे, जिसमें पैराशूट सिस्टम की जांच की जाएगी। इसी तरह के कई ड्रॉप टेस्ट किए जाएंगे। इनके अलावा कई वैल्यूएशन परीक्षण भी किए जाएंगे। साथ ही हम इस साल GSLV को भी लॉन्च करेंगे। इसरो चीफ ने कहा कि साल 2024 में हमने कम से कम 12 मिशन लॉन्च करने का लक्ष्य तय किया है। हार्डवेयर की उपलब्धता के आधार पर यह संख्या बढ़ सकती है। एक्सपोसैट सैटेलाइट मिशन के बारे में बात करते हुए एस सोमनाथ ने कहा कि ये खास मिशन है, क्योंकि एक्सरे पॉलरी मैट्रिक विशेष वैज्ञानिक क्षमता है जिसे हमने खुद विकसित किया है। हम चाहते हैं कि ऐसे 100 वैज्ञानिक तैयार किए जाएं जो ये समझ सके और फिर ब्लैक होल के बारे में हमारी जानकारी को बढ़ा सके। सोमनाथ ने बताया कि आदित्य L16 जनवरी को L1 पॉइंट पर पहुंच जाएगा और इसके बाद हम अंतिम मनूवर करेंगे। बता दें कि गगनयान मिशन के तहत इसरो इंसानों को अंतरिक्ष में भेजने की तैयारी कर रहा है। इस मिशन के तहत 3 लोगों की टीम को अंतरिक्ष में पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजा जाएगा और फिर उन्हें सुरक्षित पृथ्वी पर वापस उतारा जाएगा। साल 2025 में इस मिशन को लॉन्च करने का लक्ष्य है। पहले ये मिशन साल 2022 में ही लॉन्च होना था, लेकिन कोरोना महामारी और मिशन की जटिलताओं के चलते इसमें देरी हो गई। इसरो का गगनयान मिशन अगर सफल रहा तो ऐसा करने वाला भारत, अमेरिका, चीन और सोवियत संघ के बाद चौथा देश बन जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, नई दिल्ली।